चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी इज अप्लाइड एट द एंड्स ऑफ कॉपर वायर ऑफ लेंथ स्मॉल एल एंड द डायमीटर स्मॉल डी ऑन डबलिंग ओनली डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो सबसे पहले देखो, आप एक वायर जिसकी लेंथ एल है उसका डायमीटर आप डबल कर रहे हो। डायमीटर क्या कर रहे हो? डबल कर रहे हो। ये डायमीटर डी था, ये टू डी हो गया, लेंथ एल था दोनों वायर का, पोटेंशियल डिफरेंस इसका भी वी था है और इसका भी वी है, क्वेश्चन में बोला हुआ। देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया गया वो एंड्स के दोनों एंड्स पे वी का ही अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है? एन ई ए वी डी, या वी डी इज इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए होता है, करेक्ट है। अच्छा, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, और अगर डायमीटर के टर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? रो इंटू एल अपॉन पाई डी स्क्वायर बाई फोर, क्योंकि एरिया क्रॉस सेक्शन की वैल्यू पाई डी स्क्वायर बाई फोर होती है। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर हुआ, इट मींस आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल इज इक्वल टू डी इनिशियल का स्क्वायर अपॉन डी फाइनल का स्क्वायर। तो इसको डी स्क्वायर लिख दो, इसको टू डी का होल स्क्वायर लिख दो, क्या आ जाएगा? वन बाई फोर। तो डी आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल इज इक्वल टू वन बाई फोर हो जाएगा, हो जाएगा ना, आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल वन बाई फोर होगा, यानी रेजिस्टेंस हाफ हो गया। और अप्लाइड पोटेंशियल क्या है? कॉन्स्टेंट है, फिक्स है, वो बदल नहीं रहा है। इट मीन्स आई इंटू आर भी कॉन्स्टेंट होगा, होगा ना, ठीक है। इट मीन्स आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर वन, यानी आई फाइनल अपॉन आई इनिशियल की वैल्यू क्या होगी? आर इनिशियल अपॉन आर फाइनल, और आर फाइनल अपॉन आर इनिशियल की वैल्यू अगर 1 बाई 4 है तो आर इनिशियल अपॉन आर फाइनल की वैल्यू 4 होगी, यानी आई फाइनल अपॉन आई इनिशियल इज इक्वल टू 4 हुआ, सही है, बोलो सही लिख रहे हैं ना, ठीक है, करेक्ट। तो अब इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ इसका रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू आई बाई डी स्क्वायर होगा, आई बाई डी स्क्वायर। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइनल अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनिशियल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? आई फाइनल अपॉन आई इनिशियल इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी डायमीटर का स्क्वायर, इनिशियल डायमीटर का स्क्वायर अपॉन फाइनल डायमीटर का स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आई फाइनल अपॉन आई इनिशियल की वैल्यू 4 होगी, ये कितनी होगी? 4 होगी, 4 हो गया अपॉन डायमीटर डबल हुआ है तो डी स्क्वायर अपॉन फोर डी स्क्वायर ये हो जाएगा, तो डी डी फोर फोर कट जाएगा, डी स्क्वायर कट जाएगा और ये वन आ जाएगा। वी डी फाइनल अपॉन वी डी इनिशियल की वैल्यू 1 आ गई, इट मींस जो पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाद में भी है, तो यानी चेंज नहीं हुआ, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं हुई है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में अगर डायमीटर इंक्रीज डबल कर दिया जाए तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।